नमस्ते किसान, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। किसानों का बहुत लाड़ प्यार मिल रहा है, थैंक यू किसान, या ये कहूँ पूरे भारत का ही लाड़ प्यार मिल रहा है। हर रविवार किसान पाठशाला पर किसान दरबार लग रहा है। सभी किसानों की क्या समस्याएं हैं उस पर बात हो रही है। समस्याओं से मतलब है ऐसी कोई समस्या नहीं जो सरकारी दरबारी से रिलेटेड हो, जो सब्सिडी से रिलेटेड हो, जो कहीं से अनुदान दिलाने से रिलेटेड हो। इस पर हम कभी न बात करते हैं, न बात करेंगे। हम बात करते हैं केवल और केवल किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा कैसे किया जाए, पूरे भारत को रेसिड्यू फ्री अन्न कैसे खिलाया जाए, कैंसर मुक्त रोग रहित अन्नदाता अन्न कैसे उगाए और पूरे भारत को और पूरे विश्व को कैसे सप्लाई करें, इस पर बात होती है। हम किसान जो भी अभी फसलें कर रहे हैं उन पर कैसे खर्चे पर नियंत्रण किया जाए। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। आप अगर गूगल के मैप पर डालेंगे किसान पाठशाला तो हमारा स्टेशन मिल जाएगा। आप अगर गूगल मैप पर डालेंगे बी किसान स्मार्ट फार्मिंग तो हमारा स्टेशन मिल जाएगा। आप अगर रेवा फ्लोरा कल्चर डालेंगे, मेरा टिश्यू कल्चर लैब है ये जो सारा प्रांगण है, ये रेवा फ्लोरा ये मेरा लैब है जहां हम केले और बांस के पौधे तैयार करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 2006 से चला था, आज अक्टूबर 2020 है, 14 साल का सफ़र है एग्रीकल्चर में। अब ऐसा लग रहा है कि मैं भारत के पटल पर, पृथ्वी के, विश्व के पटल पर शायद पहली सीढ़ी पर पैर रखा हूँ। जो हमारे मित्र भैया का गजेंद्र पाटीदार जी हैं, कुछ मेरे वीडियो में देखा होगा आपने, बड़े भाई गुरु सखा मित्र, उनका सपना था, मेरे बड़े भैया राकेश जाट का सपना था, हम जो 16 किसान थे उनका सपना था कि कोई तो एक प्लेटफार्म हो जहां वाकई में किसान को सुना जाए। उसी प्लेटफार्म को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे भारत के और भारत के बाहर के किसानों को भी मैं कहना चाहूँगा, आपके पास कुछ अच्छा है, कुछ भी अच्छा है लेकर आइए। आपको कुछ सीखना है तो भी आइए। किसान पाठशाला YouTube पर एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो सीखना और सिखाना दो चीज़ों पर काम कर रहा है। आज रविवार है, आज किसान दरबार है। खुशी की बात है, हर रविवार किसान दरबार। एक स्टेशन तो ऐसा है जहाँ किसानों को सुना जाता है, समझा जाता है, महसूस किया जाता है और एक दूसरे पर बात की जाती है। आइए हम सब मिलकर के भारत को ब्रिलियंट, रेसिड्यू फ्री, कैंसर मुक्त भारत बनाएं। किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा के तहत रेसिड्यू फ्री अन्न पकाएं और पूरे विश्व को खिलाएं और हमारी आय को दोगुना करें। साथ साथ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनका भी ध्यान रखें। और कोविड अभी गया नहीं है, कोरोना गया नहीं है, मास्क का इस्तेमाल करें, दो गज दूरी बनाकर रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। ये सब करने के साथ साथ योगा जरूर करें, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, मेन वही है। कोरोना है या नहीं है ये किसी को पता नहीं है, सत्य है या झूठ है, लेकिन हमें ज़्यादा समय पृथ्वी पर जीवंत रहना है तो इम्यूनिटी पावर चाहिए। थैंक यू किसान।